हेलो बच्चों, आज मैं आपको संवाद लेखन कैसे किया जाता है यह बताऊंगी। हिंदी कक्षा 9 की यह संवाद लेखन है, वर्कशीट 42। संवाद लेखन। संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द-गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप भी रख सकते हैं। दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। शंभू आच्छी करते हुए कहता है, विभोर कहाँ जा रहे हो? विभोर, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि छींकते समय हमेशा रुमाल का प्रयोग करना आवश्यक है और कोरोना काल में तो यह बेहद आवश्यक है। शंभू, विभोर, घर में रुमाल हमेशा लोग रख नहीं सकते। विभोर, सही कह रहे हो, परंतु जब रुमाल न हो तो अपने हाथ छींकते समय ढक कर छींकना आवश्यक है, बाद में हाथ धोना भी। खुले में इस तरह छींकने से तरह-तरह के रोग फैलने का खतरा होता है, जैसे कोरोना। शंभू, सही कह रहे हो विभोर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। श्वेता, रिपोर्टर। कपिल जी, नमस्कार। इस कोरोना काल में आईपीएल के मैच विदेशों में हो रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। कपिल, नमस्कार श्वेता जी। जी, क्या करें, विदेशों में हो रहे इस खेल से जहां क्रिकेट संगठन का नुकसान हो रहा है, वहीं जनता भी मैच खेलने से वक्त समय अब सब समय ठीक कर देगा। श्वेता, बिना पब्लिक के मैच को आप कैसा मानते हैं? कपिल, एक खिलाड़ी होने के नाते और एक दर्शक होने के नाते मुझे दुख है, पर आज परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि दर्शक और खिलाड़ी की सुरक्षा बेहद अहम है, और ऐसे में बोर्ड का बिना दर्शक मैच का निर्णय सही है। बच्ची, आंटी आपको क्या लेना है? आंटी, बेटा तुम तो इतनी छोटी हो, सब्जी क्यों बेच रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्ची, आंटी मेरी मम्मी काफ़ी बीमार है और पापा कई साल पहले गुजर गए। घर चलाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। आंटी, बेटा फिर तो तुम स्कूल नहीं जा पाती होगी। बच्ची, कहते हैं ना आंटी, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। आंटी, जब मम्मी ठीक हो जाए तो स्कूल अवश्य जाना। शिक्षा जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों को हल कर देती है। बच्ची, जी आंटी, कोशिश करूंगी कि मैं भी शिक्षित बन सकूं। धन्यवाद।